हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ CMS संकेत पंडित। सो कैसे आप लोग? आई होप एवरीबडी इज फाइन, सेफ, डूइंग वेल। मेनी मैसेजेस हैव कम, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हैव कम एंड एवरीबडी इज आस्किंग दैट व्हाट इज दिस वर्किंग नोट इन ब्रीफ, एडिक्वेट रीजंस, सपोर्ट इन द आंसर। ये क्या है एग्जैक्टली? व्हाट डज इट मीन? समराइज्ड समरी वे के अंदर आप बताइए। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट, आई हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम इन द अर्लियर वीडियो that please issue the clarification, because of no communication the unnecessary excitement is there among the CMA students, which is unnecessary triggering their anxiety. So I humbly request that what is the meaning of in brief, because now this question is there of salary. Now how we can show it in brief? Matlab basic pay ko BP likhna hai, 10,000 into 12 nahi likhte, direct karna hai, क्या करना है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं करना, बिकॉज व्हाट डज इट मीन इन ब्रीफ इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग। एंड आई विल टाइप आल्सो दिस क्वेश्चन एंड आंसर एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। सो आई रिक्वेस्ट दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज हिट अ लाइक सो दैट इट मोटिवेट्स मी। एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट दैट इफ यू रिलीज सम MTPs और I would humbly request you with folded hands कि एक घंटे का वेबिनार ले लो और ये 3 घंटे का और ये पेपर सॉल्व कर दो एक बार। If you will solve the paper 100% the confidence among everybody will increase that yes it is possible. So I humbly request that please come up and solve one paper live and guide the students also. We are trying our best to guide them how to navigate through the portal. We are giving them tips, but this is first time new. Introduced by the institute. So if you will come, then our confidence will also increase that yes, it is possible, we can solve. So I humbly request apne hi bacche ek bar aake baat kar lo, ek bar aake bata do kaisa hai, because unnecessary confusion is prevailing among the students due to this working note in brief, because isko brief mein nahi kar sakte, yani kaisa brief mein karenge? Basic pay mein DA ye sab allowances add karna hi padega, to usko brief mein kaisa batayenge? तो ब्रीफ कैसा है वो आप आके एक बार बताओ सब पेपर का। एंड प्लीज रिलीज अदर पेपर्स आल्सो, वी हैव ओनली रिलीज्ड 4 पेपर्स, 16 पेपर है, तो बाकी लोग फिर अननेसेसरी परेशान हो रहे, 30 डेज से कम बचा है, तो प्लीज बताइए ये वर्किंग नोट का। बताने से अच्छा मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार आप आके खुद बता दो, सॉल्व करा दो मस्त वेबिनार लगा के, तो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा, हम भी देख लेंगे कैसा हो जाता है पेपर। तो अभी मैं टाइप करता हूँ ये क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। यू कैन सी द टाइमिंग, टाइमर इज स्टार्टेड, सो लेट्स सी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इफ वी टाइप फुल क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट हियर गिविंग माई ओपिनियन, आई विल नॉट टेल क्या इतना ही टाइम सबको लगने वाला है, सम माइट टाइप फास्ट ऑल्सो। सो बेसिक इज 1,20,000। नाउ अगेन आई एम नॉट राइटिंग 10,000 इंटू 12 और एल्स तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। आई विल राइट डी ए 41% ऑफ 1,20,000, ये कितना होगा 49,200। देन डेप्यूटेशन अलाउंस 300 इंटू 12 कितना होता है 3,600। देन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेरे पास तो इधर ऑटो करेक्ट है, इधर नीचे मैं दबा दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा और टाइप करना पड़ेगा। 500 इंटू 12 6,000। देन कंप्यूटर अलाउंस 200x 12 2,400। देन रेंट, ये एवरी स्टूडेंट वॉज टेलिंग संकेत भाई आप एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताओ कितना टाइम लगता है, तो आई थॉट चलो भाई आप लोगों की इच्छा है तो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, ये तो लास्ट ईयर भी मैंने किया ही था सॉल्व, हाँ लेकिन पूरा टाइप नहीं किया था। रेंट फ्री एकोमोडेशन 27
180. I have opened the question here नीचे, नहीं तो ऐसा तो ऊपर नीचे करते रहोगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. फर्नीचर 10% ऑफ कॉस्ट 2500. ओके, फिर कार फैसिलिटी, ये है 1800 x 12 21600. अब नाउ आई कैनॉट डू स्पेसिंग और सबको एक के नीचे एक लाऊंगा, इतना पॉसिबल नहीं ना. लीव ट्रेवल असिस्टेंस, EXEMP exempted. आप बस टाइम देख लेना सही है गलत है. टाइम उसके बाद नील इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी नील है. फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री लिख देंगे टू RPF 15% ऑफ सैलरी, ये है 25380. लेस एग्जम्प्टेड EXE 12% ऑफ सैलरी, ये है 20304. अब ये भी ये लेस करने का है तो इसको फिर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, नहीं तो अपन जब कैलकुलेट करेंगे ऊपर से जब वी विल अगेन गेट कंफ्यूज्ड क्या लेस करना है. इधर भी ऊपर एक लेस करना था शायद से रह गया वो तो यस. फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ये इतना बड़ा वीडियो में कभी बनाता नहीं हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि एटलीस्ट एक आपकी इच्छा थी तो मैं एक सॉल्व कर दूँ. ये कितना टाइम लगता है भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करने, 12% ऑन RPF 6000 लेस EXEMP exempted, ये 6000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 तो ये आ गया 4750. एंड लास्ट, अब ये सबका कैलकुलेशन करना टोटल. तो ये आ गया ग्रॉस SALARY सैलरी 238806. पूछा क्या है भाई. ओके, सो कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी. सो यस यू कैन स्टॉप द टाइमर. तो इतना टाइम लगा मेरे को, तो आपको भी कम ज्यादा लग सकता है लेकिन इफ वी आर टाइपिंग दिस देन I also when I will do the total बहुत मुश्किल जाएगा इसमें से क्या ऐड करना है क्या लेस करना है. सो यस आई रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट दैट प्लीज कंडक्ट अ वेबिनार, अ गाइडेंस वेबिनार एंड प्लीज सॉल्व द पेपर वन सो दैट एवरीबडी विल गेट अ आइडिया. वी विल ऑल्सो गेट अ आइडिया कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है, इतने टाइम में सॉल्व हो सकता है बिकॉज नाउ यू आर टेलिंग इन ब्रीफ. सो इसको मैं ब्रीफ में कैसा करूं मेरे को तो नहीं समझता. ब्रीफ बोले तो क्या बेसिक प्लस डीए प्लस डेप्यूटेशन अलाउंस, ये तो सब लिखना पड़ेगा. आप डीए कर दिए तो डियरनेस अलाउंस डेप्यूटेशन अलाउंस क्या होगा. सो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर अमंग एवरीबडी. सो प्लीज क्लैरिफाई कि हाउ वी कैन समराइज इट,
how we can summarize it. ये तो normal solve हो गया, लेकिन if you will give some MTPs and if you will show कि yes this is the way you can summarize, ऐसे करना है, तो it will help. And if you will conduct a webinar, अपने ही लोग हैं सब, अगर आप conduct करते हो तो it will surely help everybody. It will increase the confidence among all the stakeholders that yes it is possible and you can do it. So humble request from my side, please clarify about this working note. How much is adequate? How much means in brief? This is it. Thank you so much. अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना. Till then, all the very best. Take care. Bye-bye.